हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपके 8वीं का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग का आगे का वीडियो लेकर आ गए हूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा था उसमें नज़र डाल लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंसर बीमारी के बारे में पढ़ा था, उसके लक्षण पढ़े थे, मधुमेह और उसके लक्षण कारण पढ़े थे और कैसे इसे बचा जा सकता है इसके बारे में पढ़ा था, हृदय विकार यानी कि हार्ट डिजीज़ पढ़ा था और कैसे इस ये रोग होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या जो है लक्षण होते हैं और इसके बाद इसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है, मतलब हृदय विकार के इलाज करने के क्या क्या तरीके हैं, वो सब पढ़ा था। और आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5th, यानी कि आज 5वां लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या दिया हुआ है हम उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है जानकारी प्राप्त करो। देखिए इस साल आप लोगों का बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, जिसमें से कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए नहीं है, जैसे ये चीज़ें सब पढ़ने के लिए नहीं है। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ी, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहला पॉइंट क्या है कि जानकारी प्राप्त करो कि तुमने कभी दादा दादी को काढ़ा या अर्क लेते हुए या कुछ चाटने वाले पदार्थ लेते हुए देखा है क्या, उसके उनके साथ उस संबंधी चर्चा करो। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहली बात कि अर्क यानी कि काढ़ा आजकल दादा दादी ही नहीं, ये कोविड 19 की वजह से सब लोग ले रहे हैं आजकल, बहुत तेज़ी से लोग ले रहे हैं। क्यों लिया जाता है, दादा दादी भी लेते हैं, क्यों लेते हैं, या चाटने वाला पदार्थ क्या होता है, जैसे च्यवनप्राश वगैरह होता है तो वो हम लोग क्यों खाते हैं या बुज़ुर्गों को क्यों दिया जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनसे भी पूछिएगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि काढ़ा लेने से शरीर के अंदर का जो है क्या करता है, काढ़ा इम्यून पावर बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हिंदी में बोलते हैं वो हमारा बढ़ता है। च्यवनप्राश वगैरह लेने से शरीर में गर्माहट रहती है और उससे भी क्या होता है, इम्यून पावर बढ़ता है। इसीलिए क्या करते हैं, बुज़ुर्गों को जल्दी कोई बीमारी हो जाती है क्योंकि उनका इम्यून पावर वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो इन सब चीज़ों को लेने से उनका क्या होता है, इम्यून पावर स्ट्रांग होता है और उनको सर्दी जुकाम या वायरल फीवर या वायरल कोई भी बीमारी हो उससे बचाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट दिया है कि घृत कुमारी, हल्दी, अदरक, लहसुन, इनका उपयोग औषधि के रूप में कौन कौन सी बीमारी के लिए और किस प्रकार करते हैं, इसकी जानकारी दादा दादी से प्राप्त करो। तो फ्रेंड्स ये भी आप अपने घर में बुज़ुर्गों से पूछिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जैसे घृत कुमारी, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब क्या होती हैं, आयुर्वेद के अंदर आती हैं और ये क्या घरेलू औषधि ही होती हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसका हम लोग जो एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा स्रोत है, सोर्स होती हैं। जैसे हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, अदरक लहसुन भी क्या करता है, बहुत अच्छा जो है हमारे पेट के लिए और एंटीबायोटिक का काम करता है। काढ़ा में हम लोग अदरक यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम अगर खाते हैं तो हमें घर से ही घरेलू औषधि जो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में कार्य करता है और हमारा क्या होता है, सेहत जो है सही बना रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और करना भी चाहिए, आप लोग को भी करना चाहिए और लोगों को इसकी सलाह देनी चाहिए, ताकि और दवाई खाने से बेहतर है कि ये सब चीज़ें खाई जाएँ। तो चलिए हम आगे देते हैं कि इंटरनेट मेरा मित्र है, तो ये आप लोग सर्च कीजिए। फिर भी क्या दिया है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, निसर्गोपचार, एलोपैथिक, यूनानी, इन चिकित्सा पद्धतियों संबंधी इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करो। तो ये होमवर्क हो गया आपका। ये लोग आप लोग क्या करेंगे, दिन भर मोबाइल तो यूज़ ही करते हैं, तो ये सारी चीज़ें को आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि औषधि का दुरुपयोग। देखिए दुरुपयोग मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा उपयोग, यानी कि किसी भी चीज़ को वेस्ट करना, उसका मतलब हो गया दुरुपयोग। तो क्या होता है, औषधि यानी कि दवाइयों का कैसे दुरुपयोग यहाँ पर होता है, तो देखिए कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ ले लेते हैं। कॉमन सी बात है, आपके घरों में भी किसी को दर्द होता है, सिर दर्द हो रहा है, लाओ भाई क्रोसिन खा लेते हैं, लाओ भाई कॉम्बिफ्लान खा लेते हैं। तो ये क्या है, बिना डॉक्टर से बिना किसी की सलाह लिए क्या करते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन उसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन अगर इन दवाइयों को रोज सर में दर्द हो रहा है तो रोज़ एक आप क्या करोगे, क्रोसिन खा लोगे, कॉम्बिफ्लाम खा लोगे, विक सेक्शन 500, ये सब सारी ब्रांडेड दवाएं मार्केट में मिलती रहती हैं, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है तो क्या करते हैं लोग, खरीद के खा लेते हैं, डॉक्टर से नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं, वेदना
वेदना शामक यानी कि पेन किलर, इन सारी चीज़ों को अगर हम बार बार खाते हैं तो हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। वो क्या क्या है प्रभाव देखिए कि तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और यकृति यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम और हमारा लीवर, इन सब पर बहुत ही बुरा परिणाम आता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो लीवर पे पड़ता है, उसके बाद इन सब चीज़ों पे पड़ता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, किसी भी दवा को डॉक्टर से सलाह लेकर और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लेनी चाहिए। ये आप लोग भी नोट कर लीजिए और आपके घर में जो लोग बात बात पे दवा लेते हैं उनको भी समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि प्रतिजैविकी यानी कि एंटीबायोटिक, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एंटीबायोटिक क्या होता है कि अधिक मात्रा में उपयोग करने से जी मचलाना, पेट में दर्द होना, पतली जुलाब होना, शरीर पर लाल चकते पड़ना यानी कि रैशेज होना, जीभ पर सफ़ेद यानी श्वेत दाग पड़ना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी दवा लेनी हो, कोई भी बीमारी हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो दवा का क्या होगा, दुरुपयोग होगा, दुष्परिणाम होगा हमारी सेहत पर। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और आप लोगों को जागरूक भी होना चाहिए इस पॉइंट को लेकर। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया है कि गरीब रोगी महंगी औषधियाँ खरीद नहीं सकते। ऑब्वियसली जब कोई गरीब रहेगा तो महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है। क्या ऐसे समय में उनके लिए कुछ विकल्प होंगे और वो कौन से होंगे? तो मतलब अगर कोई गरीब है और उसके घर में कोई भयंकर बीमारी किसी को हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास ऐसा क्या विकल्प होगा, क्या ऑप्शन होगा कि वो लोग सस्ती और अच्छी दवा ले लें? तो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है और वो है जेनेरिक औषधियाँ। क्या है? जेनेरिक औषधियाँ। तो मैं आप लोगों को जेनेरिक औषधियाँ क्या होती हैं पहले बता देते हैं कि जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। ये भी जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो नॉर्मल दवाइयों जैसी ही होती हैं, लेकिन इन औषधियों के निर्मित तथा वितरण की किसी पेटेंट के बिना किया जाता है। यहाँ पे पेटेंट के बिना मतलब जैसे कि कोई कोई दवा का फॉर्मूला रहता है, उस पर कोई ब्रांड अपना दवा बनाकर बेचता है। जैसे क्रोसिन कोई दवा क्या करता है अपना, मैं पहले जेनेरिक दवा की डेफिनेशन पहले समझो कि जेनेरिक दवा जिस फॉर्मूले से या जिस सॉल्ट से बननी होती है उसी नाम से जानी जाती है। जैसे क्या है, दर्द और बुखार में क्या हम लोग लेते हैं, पैरासीटामोल का सॉल्ट, पैरासीटामोल लेते हैं। लेकिन अगर इसी पैरासीटामोल, उसका फॉर्मूला पैरासीटामोल ही है, उसका सॉल्ट जो है पैरासीटामोल का है, लेकिन जब इसी दवा को क्या करता है कोई कंपनी बेचता है, जब कोई कंपनी क्या करेगा इसी दवा को जब बेचना चालू करेगा तो वो उसको कोई नाम देगा, वो पैरासीटामोल के नाम से नहीं बेचेगा, वो उसका ब्रांड का नाम होगा, जैसे क्रोसिन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्बिफ्लॉम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब वो अपने ब्रांड के नाम से बेचता है तो वो उसको महंगी कर देता है, उसका पेटेंट हो जाता है। लेकिन सामान्य जो जेनेरिक दवा होती है उसी नाम से बेची जाती हैं, इसलिए क्या होती है, ये दवाई जेनेरिक दवा सस्ती हो जाती है, इसलिए ये गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन इसमें क्या होता है, वितरण का कोई पेटेंट के बिना किया जाता है। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उसी दर्जे की होती हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका दाम कम है तो ये कम फायदा करेगी या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा बॉडी पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसी ही होती हैं जैसे ब्रांडेड दवा होती हैं, उसी अनुपात में, जैसे जेनेरिक दवा औषधियाँ तैयार करते समय औषधियों के घटकों का अनुपात और औषधियों का फॉर्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्चा बच जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए क्या होती है, जेनेरिक दवा बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल होती हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि इसकी कीमत जो है ब्रांडेड औषधियों से बहुत, मतलब 5 से 8-10 गुना कम होती हैं। मतलब कि जो आपको दवा एक टैबलेट आपको मार्केट में 10 रुपये में मिलेगा, वही जेनेरिक दवा के मेडिकल शॉप पे जाओगे, जेनेरिक शॉप पे जाओगे तो आपको वही दवा 2 रुपये में मिल जाएंगी, यानी कि इतना फ़र्क होता है। इसीलिए इसको गरीबों के लिए बहुत इसका हेल्पफुल होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप लोग जेनेरिक मेडिकल से ही जाकर लेना चाहिए ये दवा, क्योंकि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको ब्रांडेड दवा ही लिख कर देंगे। तो ब्रांडेड दवा इसलिए लिखते हैं क्योंकि डॉक्टर का भी उसमें फ़ायदा होता है और मेडिकल का भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप लोग जेनेरिक स्टोर पर वही नाम की नाम दिखाकर उसी फॉर्मूले की दूसरे नाम की जेनेरिक दवा लेकर आओगे तो आपको वही चीज़ें कम पैसे में मिल जाएंगी। और क्या है, पैसा कम भी लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका लाभ कम हो, वो फायदेमंद उतना ही होगा जितना कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उतना।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जेनेरिक दवा के बारे में समझ में आ गया होगा और आप लोग जागरूक रहिए इस सब चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जेनेरिक औषधियों को तुम हेल्थ कार्ड और जन समाधान इस मोबाइल ऐप की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड कर लें और उस वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, जेनेरिक दवाओं को आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो आप लोग भी जागरूक होइए और आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए और इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जीवन शैली और बीमारी, यहाँ पर देखिए दिया है जीवन शैली और बीमारी, मतलब कि अगर हमारा जीवन शैली कैसी है तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जीवन शैली का अर्थ आहार विहार में हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। मतलब जीवन शैली मतलब हम दिन भर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते उठते बैठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, कितना योगा व्यायाम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जीवन शैली। जैसे कि आजकल क्या है, यहाँ पे दिया है आजकल देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव होना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है। ऑब्वियसली सब लोग क्या करते हैं, रात को देर तक मोबाइल चलाएंगे, सुबह देर तक सो के उठेंगे, नाश्ता देर से करेंगे, लंच क्या करेंगे, दोपहर का खाना टाइम से नहीं खाएंगे, टीवी देखते हुए खाएंगे, फटाफट खाएंगे और कोई एक्सरसाइज योगा व्यायाम नहीं करेंगे। बाहर की चीज़ें जैसे जंक फूड होते हैं, समोसा पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे बीमारियों बढ़ने का अनुपात बढ़ जाता है। और बीमार होने के अनुपात कम करना है, अगर आपको कम बीमार होना है तो आपको जीवन शैली में अच्छी जीवन शैली, उचित जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। जैसे क्या है उसमें क्या होता है, उचित जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली में क्या क्या चीज़ आती है, उचित नींद लेना, मतलब कि 7 से 8 घंटा अच्छी तरीके से समय पे सोना और समय पर उठना, उचित आहार लेना, मतलब कि पोषण वाला भोजन लेना, जंक फ्रूट्स नहीं, बाहर के खाने नहीं, घर के बने हुए शुद्ध खाने, दाल चावल सब्जी रोटी, सब्जियों में भी हरी सब्जियां और दाने वाली सब्जियां, जिसमें क्या हो सारी तत्व हमारी बॉडी को जो जरूरी होते हैं वो मिले। इसके अलावा क्या करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं, तभी हम क्या रहेंगे, निरोगी रहेंगे। इसी प्रकार व्यायाम भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना है, जरूरी है। अब जैसे कि आप बीमार हो थोड़ा बहुत और व्यायाम क्या कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े कर रहे हो तो भी नहीं, उतना ही करो जितना कर सकते हो, न ज़्यादा न कम, मतलब कि अपनी हमारी शरीर शारीरिक क्षमता जितनी है उतनी ही करना है। फिर प्राणायाम तथा योगासन जो है विशेषज्ञ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मतलब प्राणायाम और योगा अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो फायदे की जगह क्या होता है, हमें उसका नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर भी, आप लोग देख कर अच्छे से समझ कर या आसपास कोई सिखाने वाला हो तो उसकी सलाह लेकर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि वीडियो देखिए, इस तरीके से क्या है हम क्या करते हैं, एक अच्छी जीवन शैली अपना कर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक अच्छा जीवन, स्वस्थ निरोगी जीवन जी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या दिया हुआ, आगे दिया है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। फ्रेंड्स आप जब छोटे आस पास देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या करते हैं, समय समय पर टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है। ये क्यों होता है आप देखें तो होंगे, 1 महीने की सुई, 2.5 महीने के बाद की सुई, 6 महीने की सुई, 1.5 साल की सुई, ऐसा क्यों लगाते हैं डॉक्टर, वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप का पिलाना, ये सब क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि रोग ना हो, क्यों होता है, रोग ना हो, कोई भी बीमारी बच्चे को ना हो, वो बड़ा भी हो जाए तो भी वो बीमारी बच्चे को ना हो, इसलिए उसका प्रतिबंध करने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए टीकाकरण उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे आसपास के अस्पताल से टीकाकरण की तालिका प्राप्त करके उसका अध्ययन करो। तो आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप जाइए वहाँ से टीकाकरण के बारे में पता कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और इसका एक छोटा सा नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या है पहला प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार ने घोषित की थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत में जनता को उपलब्ध कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही जेनेरिक दवा का जो मैंने बात आगे पढ़ा था पीछे, वही चीज़ें हैं। उसके लिए जन औषधि स्टोर शुरू किया गया, स्टोर का नाम क्या होता है, जन औषधि स्टोर्स। ठीक है, आसपास आपके हर शहर, हर सिटी, हर गाँव में ये स्टोर खुला हुआ है। भारतीय कंपनियाँ अधिक पैसा कमाने पर जेनेरिक औषधियों का निर्यात करती हैं।
परंतु देश में ब्रांडेड कंपनी के नाम से ही अधिक कीमत पर औषधियों को बेचा जाता है। अमेरिका में 80% जेनेरिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, अतः औषधियों के खर्च होने वाले सैकड़ों अरब रुपए का वहाँ बचत होती है। मतलब देखिए, ऐसी कंट्रियों में भी लोग जेनेरिक औषधियाँ खरीदते हैं जहाँ के लोग सबसे अमीर हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है कि उसे विदेशों में बेचने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा दाम पे बनाते हैं, लेकिन उसे अपने ही देश में ज़्यादा दाम पे बेचा जाता है। तो अगर आप लोग जागरूक है, जेनेरिक औषधियों के बारे में जानते हैं, तो वही दवा आप उसी नाम की दवा जो है उसी फॉर्मूले की दवा जेनेरिक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग भी समझिए और आपके आसपास लोगों को भी इसके बारे में समझाइए, ठीक है। आओ मनाए स्वास्थ्य दिन विशेष। कौन कौन से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। नवंबर आने वाला ही है, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, और इस बार तो 14 नवंबर को दिवाली भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे और ये याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, जीके में भी पूछा जाता है और ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाकर भी इसको पूछा जा सकता है कि जैसे 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि रक्तदान कैसे होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे महत्व जानो, रक्तदान एक यूनिट रक्तदान के एक समय में कम से कम 3 रोगियों की जरूरत पूरी होती है। अगर आप एक यूनिट रक्तदान करते हैं तो एक आदमी एक समय में 3 लोगों की जान बचा सकता है, जैसे कि लाल रक्त, श्वेत रक्त और 3 रक्त। देखो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिका होती है मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कण कोशिका, और रक्त पट्टिका यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। और एक वर्ष अगर एक आदमी एक यूनिट रक्तदान करता है तो वो 3 लोगों की जान बचा सकता है। कितने लोगों की, 3 लोगों की जान बचा सकता है। और एक साल में, पता है एक साल में क्या होगा, एक वर्ष में यानी कि एक साल में 4 बार रक्तदान करने पर 12 रोगियों के, मतलब कि 1 ईयर में आप क्या कर सकते हैं, 4 बार क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कितनी बार, 4 बार, और उससे क्या कर सकते हैं, हम 12 लोगों की जान बचा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है। एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, और रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी शरीर में नहीं आती है, ठीक है। आगे देखिए नेत्रदान, रक्तदान भी होता है और नेत्रदान, लेकिन नेत्रदान मृत्यु के बाद होता है। इसके पहले ही लोग अनाउंस कर देते हैं, एक फॉर्म भर देते हैं कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी आँखें दान कर देना, और जिसे आँखें नहीं होती हैं वो क्या करता है, उसका अंधेपन को दूर किया जाता है और उसको रोशनी मिलती है, उसको नई दृष्टि मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप जीते जी अपनी आँखों का यूज करते हो, दुनिया देखते हो, और मरने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी आँखें दुनिया को देख सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा पहल है लोगों के जीवन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमारा ये सेकेंड लेसन कम्प्लीट हो गया, जो कि 5 लेक्चर में कम्प्लीट हुआ। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्वाध्याय, जो कि 5 से 7 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, और हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट बोलूँगी और आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके और करके देख लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। तो फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 लेकर आऊँगी, जिसमें हम स्वाध्याय बताएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।